दुनिया में पाकिस्तान एक ऐसे मुल्क के तौर पर जाना जाता है जो कट्टरपंथ और आतंकवाद का सबसे बड़ा गढ़ है। पाकिस्तान से पनपने वाले आतंकवाद से भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया परेशान है, लेकिन लगता है जैसे अब पाकिस्तान अपनी इमेज को बदलने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में हिंदू मंदिरों, गिरजाघरों और गुरुद्वारों की सुरक्षा के लिए 40 करोड़ की एक परियोजना शुरू की जाने वाली है। पाकिस्तानी मीडिया ने इसकी जानकारी दी है। पाकिस्तान के मशहूर अखबार डॉन ने पाक अधिकारियों के हवाले से कहा कि इस महत्वाकांक्षी परियोजना में खासतौर पर निगरानी कैमरों की खरीद में निवेश किया जाएगा, जो पूरे सिंध में पूजा स्थलों पर लगाए जाएंगे। सिंध के मुख्यमंत्री के विशेष सहायक खाटूमल जीवन ने कहा, इस परियोजना से पूजा स्थलों के सुरक्षा स्तर में बढ़ोतरी होगी। डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक खाटूमल ने कहा कि इस परियोजना में आधुनिक निगरानी और नियंत्रण प्रणाली स्थापित करना शामिल है। इसमें हर पूजा स्थल और आसपास के रणनीतिक स्थानों पर कई वीडियो कैमरे लगाए जाएंगे। अधिकारियों ने कहा कि ये परियोजना लरकाना, हैदराबाद और दूसरे स्थानों पर हिंदू मंदिरों पर हमले के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो के निर्देश पर बनाई गई है। सिंध पुलिस ने हिंदुओं, सिखों और ईसाइयों सहित धार्मिक अल्पसंख्यकों से जुड़े 1253 स्थलों के दस्तावेज बनाए हैं। इसमें 703 हिंदू मंदिर और 523 चर्च हैं। इसके अलावा 6 गुरुद्वारे और 21 ऐसे स्थान हैं जो अहमदी समुदाय से जुड़े हैं। इन जगहों पर कुल 2310 पुलिसकर्मी सुरक्षा के लिए तैनात किए गए। NMF न्यूज की रिपोर्ट।